नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। उत्तराखंड के बीजेपी के निलंबित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि हर बार वो किसी से मारपीट को लेकर ही सुर्खियों में आते हैं, लेकिन इस बार मामला पिटाई से नहीं शराब से जुड़ा है। दरअसल ये विधायक शराब के नशे में एक दो नहीं बल्कि तीन तीन तमंचों के साथ डिस्को करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शराब और कबाब के साथ हथियारों का ऐसा हिसाब किताब बता रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह। और चैंपियन कहलाने वाले ये नेताजी 30 मार खां लोगों को भी हैरान कर रहे हैं। ये बीजेपी विधायक हथियारों की नुमाइश करते करते प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर ऐसी छवि दिखा रहे हैं जो उनकी फितरत है। रिवॉल्वर मुंह में दबाए हुए हैं, दो को हाथ में लिया हुआ है और इस अंदाज में वीडियो भी बनवाया जा रहा है। पीछे चल रहा है बॉलीवुड फिल्म का संगीत वीडियो में सुनाई पड़ेगा, जिस पर नेताजी और उनके साथी थिरक रहे हैं। इसके बाद नेताजी ने एक हाथ में एक साथ तीन तीन रिवॉल्वर को थामा और सीना ठोककर ऐलान कर दिया कि कोई ऐसा उस्ताद पूरे हिंदुस्तान में हो तो बताओ। बीजेपी के निलंबित विधायक प्रणव सिंह चैंपियन हमेशा से ही विवादों का हिस्सा रहे हैं। खास बात यह है कि ये वक्त बदल गया, पार्टी बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो प्रणव सिंह का गुंडई अंदाज और दबंग गई फितरत। हालांकि पिछले महीने उन्हें ये गुंडागर्दी काफी भारी पड़ गई थी, जिसके चलते बीजेपी ने उन्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। बीजेपी से पहले प्रणव सिंह कांग्रेस का हिस्सा थे और तब भी उनके कारनामे कुछ ऐसे ही थे। इस विधायक के कारनामे आज भी मशहूर हैं। करीब 4 साल पहले जब वो कांग्रेस विधायक और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, तब भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के बाद बीजेपी ने जमकर सवाल किया और कांग्रेस के पास कुछ भी जवाब देने के लिए नहीं बचा था। यही नहीं बल्कि फरवरी 2016 में फिर एक गाना बजा और फिर कांग्रेस के विधायक रहते हुए कुंवर खुद को रोक नहीं सके। इस बार तो एक कार्यक्रम में मंच पर ऐसे ऐसे स्टेप कर दिए कि जाने माने कोरियोग्राफर की भी क्या बिसात। बवाल इस बार भी हुआ, बीजेपी ने सवाल फिर खड़े किए। इसके बाद कुंवर प्रणव सिंह कांग्रेस से बीजेपी की नाव पर सवार हो गए, लेकिन विवादों को साथ लेकर। वही अंजाम अभी भी जारी है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो की कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अहम खबरों को लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक सवाल जाते जाते आपके लिए छोड़ती हुई जाती हूँ कि इस तरीके का विधायकों का जो रवैया है जनता के प्रति या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में, आपका इस पर क्या कहना है मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।